जय हिंद डिफेंस वॉरियर्स, आप सबके एसएसबी के कॉल लेटर्स आ गए हैं। एनडीए के बच्चों के एसएसबी जनवरी फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो रहे हैं। आपके मन में कई सारे सवाल हैं, कई सारे किंतु परंतु हैं, और हमारे आज के इस वीडियो में हमारे साथ में है कर्नल मनोज बर्मन सर, जो कि भोपाल और इलाहाबाद एसएसबी के सीनियर साइकोलॉजिस्ट रहे हैं। और आप जानते हैं कि साइकोलॉजिस्ट से अगर आपने अच्छा गाइडेंस ले लिया तो आपकी यात्रा कितनी आसान हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में आपको पीपीडीटी के सारे टिप्स मिलेंगे, वो सारी बातें आप जान पाओगे जिससे आप पहली बार में आपका स्क्रीनिंग टेस्ट पास कर पाओगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दर्शकों को, सर बच्चे एनडीए पास करके पहली बार जा रहे हैं, अधिकतर बच्चा पहली बार जा रहा है, तो इन बच्चों को पीपीडीटी के दौरान सबसे बड़ी सावधानी क्या रखना है? पहली बार जाने वाले सभी को पहली चीज मेरी बधाई। और पहली सावधानी ये है, जब हिंदुस्तान में कोई भी परीक्षा पहली बार दे दी जाता है तो उसको लगता है कि इस बार जाके देख लेते हैं क्या होगा और अगली बार पूरा प्रयत्न करके तैयारी करके जाएंगे। एसएसबी के जितने भी अन्य परीक्षाएं हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से जो पद भरे जाते हैं, उनके लिए ये फॉर्मूला सही है कि अगर उनके लिए ये फॉर्मूला सही है कि इस बार जाके देख लेते हैं और जो कमियां अपने को लगेगी वो सुधार के अगली बार जाएंगे। लेकिन जो डिफेंस वॉरियर्स हैं उनको पहला जो चीज मैं बताना चाहता हूँ, टेक्निक और वो सब बातें बात नहीं, मानसिक रूप से आपको ये प्रस्तुति चाहिए कि योर फर्स्ट चांस इज द लास्ट चांस, ये सोच के जाएंगे तो आप बहुत ज्यादा बेहतर करेंगे, परिणाम आपका बहुत अच्छा होगा। क्योंकि अगर थोड़ा बहुत किसी कहीं कभी भी है तो मिस मिस कहीं है तो हर एक में होता है, कहीं ना कहीं कोई परफेक्ट नहीं होता है, उसके बावजूद भी आपको उसका लाभ मिल जाएगा, यू नॉट बी पेनलाइज फॉर दैट। वही चीज जब आप दूसरी बार जाएंगे, तीसरी बार जाएंगे और जितनी अधिक बार जाएंगे उतने बार वो चीजें आपको कहीं ना कहीं परेशान करेगी। कि ये फॉर द सिंपल रीजन कि उनके दिमाग में ये रहेगा असेसर्स के, इसने ये चीज पहले से कर लिया है, जान लिया है, अतः ये दूसरी बात। हम जितना जोर कोचिंग के लिए जब जाते हैं, साइकोलॉजी और जीटीओ और इंटरव्यू के लगाते हैं, हम भूल जाते हैं कि हम साइकोलॉजी जीटीओ और जो मेन टेस्ट है इंटरव्यू, उसमें तभी पहुंच पाएंगे जब हम जो फर्स्ट राउंड है जिसको एलिमिनेशन राउंड है, इसको स्क्रीनिंग कहते हैं, जब स्क्रीनिंग होगा, आप सफलता से स्क्रीनिंग हो गई तभी आप उसमें पहुंच पाओगे। और स्क्रीन इन होने के लिए ये जरूरी है, जिसमें दो टेस्ट है, पहला पीपीडीटी और पहला वर्बल नॉन वर्बल और दूसरा पीपीडीटी। वर्बल नॉन वर्बल मुझे विश्वास है कि निश्चय ही आप लोग करते होंगे, पहले भी होता था और अभी भी होता है, लेकिन पीपीडीटी जो है वो लेटर इंट्रोडक्शन है। चूँकि अब पहले सामान्यतः एक बोर्ड में जितनी क्षमता होती थी उतने ही लोगों को बुलाया जाता था, अधिकतम उससे दो पांच ज़्यादा बुलाए जाते थे, अब चूँकि बहुत बड़ी संख्या में लोगों को बुलाया जाता है इसलिए उनको एलिमिनेट करने के लिए पीपीडीटी और इनका कंबाइंड स्कोर जो इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए पीपीडीटी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। सर पीपीडीटी आपने बता दिया कि अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो आप इसको अपना लास्ट चांस मान करके जाइए, क्योंकि अगर आप इसको लास्ट चांस मान करके जाएंगे तो आप बेहतर परफॉर्म करेंगे। सीखने के हिसाब से मत जाइए, सेलेक्ट होने के हिसाब से जाइए। सर की सारी बातों को, हर बात को आपको लाइन बाय लाइन ध्यान में रखना है, क्योंकि ये वो बातें हैं जो आपके रिकमेंडेशन तक आपको पहुंचाएगी। सर पीपीडीटी में स्टोरी राइटिंग, नरेशन और ग्रुप डिस्कशन, ये तीनों चीजें जो हैं, इनमें से किस चीज का ज्यादा रोल है या फिर तीनों का वेटेज बराबर है? बच्चों को किस बात पर कितना फोकस करना चाहिए? देखिए तीनों ही चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका आइडिया ही नहीं होगा तो आप नरेशन क्या करेंगे, और नरेशन नहीं होगा अगर कोई कंटेंट नहीं होगा तो नरेट करेंगे क्या, और फिर डिस्कशन में आप भाग क्या लेंगे? तो मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है, अधिक से अधिक जो कैंडिडेट्स हैं उनका एक हमेशा से जब कर चुके होते हैं, जब डिस्कशन होता है उस स्टेज में कहते हैं सर आइडिया दिमाग में नहीं आ रहा। चूंकि हम लोगों को आदत नहीं है, कहानी लिखने की आदत तो सबको है, कहानी बोलने की आदत सबको है, लिखने की आदत नहीं है। हम लोग जब भी दैनंदिन कोई भी घटना देखते हैं और जब उसका अपने मित्रों या माता पिता से उन बातों का जिक्र करते हैं तो वो कहानी के रूप में ही करते हैं। तो ऐसा नहीं कि कहानी
लिखना या बोलना हमारे लिए कोई नई चीज है, कहानी के रूप में ही करते हैं, लेकिन हम उसको पूर्णतः कहानी बना देते हैं। यहाँ पर फोकस होना चाहिए, जो भी पात्र आपने बनाए हैं उनमें से किसी एक दो पात्र जिसको आप अपने चरित्र से अपने व्यक्तित्व से मिलता जुलता पाते हैं, उनसे के सामने कोई कठिनाई रखें और उसका हल उससे करवाएं जिसमें उसकी कोई भूमिका हो, ये ज़्यादा अच्छा है। सिर्फ कहानी करते जाना तो पहला चीज तो, अगर आपका समस्या भी यही है जो अधिकतर कैंडिडेट्स के को मैं देखता हूँ कि सर कोई आइडिया ही नहीं आ रहा, बहुत आसान है, खूब सिनेमा देखिए, टीवी देखिए, सीरियल देखिए और अधिक से कहानी पढ़िए, और जब भी कुछ देखते हैं, कोई भी फोटो देखते हैं, कहीं पर भी देखते हैं, कितनी देर भी उसको देखने के बाद कोई भी घटना देख के आप घर पहुंचते हैं, जाकर आदत डालिए कि उसके बारे में 5-7-10 मिनट कुछ लिखिए, एक आदत, ताकि आपके अंदर वो जो आइडियाज़ आते हैं, लेकिन आइडियाज क्रमबद्ध होके, चरणबद्ध होके और मीनिंगफुल डायलॉग पे को लीड करें, इसके लिए आवश्यक है कि वो मीनिंगफुल हो, तो वो नहीं हो पाता है, हम दिए हुए समय के अंदर कहानी नहीं बना पाते हैं, फिर जब कहानी बना ही नहीं पाते हैं तो जब नरेशन होता है तो हम नरेट भी कुछ, पहले तो पढ़ना पड़ता था, पढ़ना खत्म हो गया, सिर्फ नरेशन होता है, लेकिन आप कुछ लिखे होंगे तभी के नरेशन होगा, क्योंकि उसके ऊपर आधारित होता है, इसलिए पहला कदम जो है चरण जो, वो उतना ही इम्पॉर्टेंट है जो लास्ट वाला डिस्कशन वाला है, कि आप आदत डालो जब भी कोई जरूरी नहीं कि आप बैठ के पीपीटी करो, कोई भी फोटो देखते हो, कोई भी फोटो से नीचे कई बार न्यूज़पेपर में या जर्नल में कुछ फोटो होता है उससे जुड़ी हुई कुछ कहानी होती है, जैसे आजकल पूरा व्हाट्सएप ग्रुप जो भरा हुआ है मेसी के जीवन चरित्र में, कैसे वो छोटा बच्चा था, वो इतना छोटा था कि उसको कोई क्लब खेलने के लिए नहीं लेता रहा था और पहली बार जिस क्लब में लिया, इस तरह के, तो इस तरह की चीज़ों को पढ़िए और एक कोई भी फोटो देखकर अपनी कहानी लिखिए, तो आपको निश्चय ही आदत हो जाएगी, 2-4-10 बार जब इच्छा करोगे तब आदत हो जाएगी, क्योंकि आपको आदत नहीं है इस तरह से लिख कर अपने मनोभाव को प्रकट करने का, इसलिए वो दिक्कत आती है। तो पहला चरण के लिए आप खुद कोई अपनी मदद कर सकते हो बाहर से कोई, क्योंकि कोई भी कोचिंग कहीं पर भी आप जाओगे उनके पास कोई ना कोई एक समय की सीमा होगी, 2 दिन 4 दिन 10 दिन अधिक से अधिक देंगे, अगर वो 1 महीने का कोर्स चला रहे तो पीपीटी 1 महीने तक, हम हालांकि हमारे यहाँ हम प्रतिदिन 1-2 सेशन पीपीटी जरूर करते हैं, क्योंकि हमें पता है अगर वो स्क्रीन इन ही नहीं होगा तो बाकी हम कुछ भी उसको सिखाएं वो अर्थपूर्ण नहीं होगा, तो पीपीटी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना बाकी मेन स्ट्रीम के जो टेस्ट है, इसलिए पीपीडीटी की आदत डालिए। लिखने के बाद बोलने की आदत, वो दूसरा चरण है, क्योंकि हम बोलने की भी आदत नहीं होती है, हम लोग जब बातचीत करते हैं अपने मित्रों से या कहीं पर भी घर वालों से, अपने ढंग से अपने फ्लो में बात करते हैं, अपने मन में जो कुछ भी उस 4-5 मिनट में आपने लिखा है उस बात को 60-70 सेकंड में बोलना, ताकि वो पूरा कहानी, मैं बोलूँगा चूँकि एनडीए में जाने वाले कम से कम जो भी हम जिनको जो उद्देश्य से ये बात आज कह रहे हैं वो सब कम से कम 12वीं पास है, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं, तो सबके लिए ये बात है कि हमको आदत होनी चाहिए जो अंग्रेजी के पेपर में कंपलसरी इंग्लिश में जो एक पैसेज आता है और जिसको कम शब्दों में लिखना पड़ता है कि पूरा उसका जो जिस्ट है उसको खूब प्रैक्टिस कीजिए, कि पूरा 10 लाइन 20 लाइन 30 लाइन का एक पद्यखंड उसको पढ़ के उस पूरे भाव को 2-3-4 सेंटेंस में कैसे बोला जा सकता है, तो जरूर डालिए, और जिसमें उस पूरे कहानी का जो सार तत्व है वो निकल के आ जाए, इट दिस इज इम्पॉर्टेंट, वो हम नहीं कर पाते हैं, हम उसमें भी उतने ही समय लेते हैं व्यक्त करने में जितना लिखने में लेते हैं, नहीं आपने लिखने में जो भी लिखा है, लेकिन जब नरेशन कर रहे हैं ये आपका टेक्निक सीखिए, ये करने से फिर भी ये भी करने से ही आएगा, आप उन सारी बातों को किस तरह से 2-3-4 सेंटेंस में समा कर 60-70 सेकंड के अंदर बोल दें, लेकिन उसमें वो पूरी बातें आ जाएं जो आपने लिखा है 4-5 मिनट में, और डिस्कशन ऑफकोर्स उसका फाइनल स्टेज है, अगर आप उसके पहले जब आप नरेशन करते हो और इसी तरह जब दूसरे नरेशन करते हैं, यहाँ पर एक बात, आपका अपना नरेशन पर जितना फोकस है उससे अधिक फोकस होना है जो दूसरे नरेशन कर रहे हैं, उस वक्त
भी हम अपने जनरेशन के बारे में, अपनी कहानी के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन इस स्टेज में ये बहुत आवश्यक है कि आप दूसरों के जो भी जनरेशन है उसको ध्यान से सुने, क्योंकि आपको ख्याल रखना है इसके बाद डिस्कशन होने वाला है और डिस्कस पे आपको तभी सफल होंगे, तभी पार्टिसिपेट कर सकेंगे, तभी कुछ आपका योगदान होगा, कोई पॉजिटिव भूमिका होगी जब आपने दूसरों की कहानी सुनी होगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ इट इट व्हाट इज एक्सपेक्टेड इज दैट यू शुड बी हेल्पफुल इन मेकिंग ए कॉमन स्टोरी। और कॉमन स्टोरी तभी बन पाएगी जब दूसरे की स्टोरी आप सुनोगे और कहाँ आपकी स्टोरी में और उनकी स्टोरी में क्या कॉमन डिनोमिनेटर है, कहाँ पर सब बिंदुओं को इकट्ठा करके क्या प्रयास किया जा सकता है। अक्सर एक गलती जो मैंने देखा है कैंडिडेट करते हैं, उनको लगता है कि हम कामयाब हो गए इसके लिए जरूरी है किसी तरह जो हमने लिखा है वो या कहा है नरेट किया है उसको हम मनवा लें। नहीं तो कोई मानेगा नहीं, क्योंकि सब लोग यही सोच रहे हैं। इसके उलट होना ये चाहिए दैट योर एफर्ट शुड बी हाउ टू कम टू ए कंसेंसस स्टोरी, और उसके लिए जरूरी है कि आपके दिमाग में दूसरों की स्टोरी भी होनी चाहिए, तो अपने को ध्यान में आना चाहिए कहाँ कहाँ क्या क्या बिंदु है जिसमें कॉमनलिटी है, जिसमें एकमत हो सकता है, बजाय विरोध करने का जो पॉइंट आपने लिख दिया उस बात को इंसिस्ट करने का, जिद करना कि नहीं नहीं ये वाली बहुत बिंदु तो जरूर होना चाहिए। ऐसा ना करें, क्योंकि जैसे आप नहीं चाहते हो कि आपकी बात काटी जाए, दूसरा भी वही चाहता है, तो फिर कभी भी कॉमनलिटी पे चिल्ला चोट होता है और पूरा का पूरा ग्रुप में से कोई भी स्क्रीनिंग नहीं होता है। तो आप मैच्योरिटी दिखाएं, उस वक्त अपना पार्टिसिपेशन करें, आप सिर्फ अपनी कहानी पर जोर नहीं दें, आपको उन 15-20 लोग जिन्होंने नरेशन किया है उसमें से जहाँ लगता है 5-7 कहानियाँ जिसमें गुंजाइश है कोई कॉमनलिटी निकलने का, कॉमन डिनोमिनेटर का, उसको ढूंढिए, उन बातों पर फोकस कीजिए, तो उसका पहला लाभ ये होगा कि वो 15 में से 20 में से वो जो 6-7 लोग हैं वो भी आपको समर्थन देंगे, और ये एकमात्र तरीका है जो आपको एट द एंड ले जाएगा एक कॉमन स्टोरी की ओर। तो कर्नल सर ने पूरी बात को एकदम क्लियर कट तरीके से आपको समझा दिया है। अगर आपको कर्नल सर के मार्गदर्शन में, कमांडर सर के मार्गदर्शन में एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी करना है तो आप फोर्स डिफेंस एकेडमी के ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही हम कुछ प्रोग्राम्स लेकर के आ रहे हैं जो ऑनलाइन होंगे, जिसमें आपको स्पेशली ऑनलाइन इंटरव्यू या फिर साइकोलॉजी या GTO तीनों से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी होगी वो उसको आराम से सॉल्व किया जा सकेगा। कर्नल सर ने सारी बातें बताई है कि PPDT के लिए आपको क्या करना है, कैसे करना है। अगर आपका वीडियो ये आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगले वीडियो में हम लोग SSB के बाकी दूसरे पार्ट्स को लेकर के मिलेंगे। तो आप चैनल को फॉलो करते रहिए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई महत्वपूर्ण वीडियो आपसे मिस हो जाए। कर्नल सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को जय हिंद, थैंक यू।